भीड़ ने एक दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इसमें दो रोडवेज और दो पुलिस वाहन जो हैं उन्हें भी फूंक दिया गया है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है, हवाई फायरिंग की गई है। प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को गोली लगने की भी खबर यहां पर मिल रही है। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। मौके पर हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। एसपी कैलाश विश्नोई भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के पिलादर में रमेश पटेल हत्याकांड के बाद बवाल हुआ है। पिलादर गांव में लोगों ने उपद्रव किया है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है और हंगामा इसे लेकर हो रहा है। तो वहीं भीड़ ने एक दर्जन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसमें दो रोडवेज और दो पुलिस वाहन भी शामिल हैं जिन्हें आग लगा दी गई है। पुलिस ने भी लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया है, हवाई फायरिंग की है। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को गोली लगने की भी खबर यहां पर मिल रही है। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर हालात पूरी तरीके से तनावपूर्ण अभी भी बने हैं। एसपी कैलाश विश्नोई भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें जहां पर किस तरीके से रोडवेज की बस को पूरी तरीके से फूंक दिया गया और साथ ही जो पुलिस के वाहन हैं उन्हें भी आग यहां पर लगा दी गई है। एक दर्जन वाहन जो हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। ग्रामीणों में पूरी तरीके से गुस्सा है इस पूरी घटना के बाद से और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। हालांकि मौके पर एसपी पहुंचे हुए हैं पूरे हालात का, और ये दो तस्वीरें देखिए जहां पर किस तरीके से आग जो है वो वाहनों में लगाई गई है। एक दर्जन से ज्यादा वाहन यहां पर बताए जा रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, इन आग पर काबू उसने पाया है, लेकिन ग्रामीणों का जो उपद्रव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बना है और लोगों से लगातार समझाइश की भी कोशिश यहां पर हो रही है। और खबर यह है कि लगातार लाठीचार्ज कर जिस तरीके से लोगों को यहां से खदेड़ा गया है उसमें दो लोगों को गोली लगने की भी खबर यहां पर मिल रही है। ये तस्वीरें जहां पर किस कदर ये बवाल मचा, ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। दरअसल पूरा मामला जो है वो पिलादर का है, जहां पर रमेश पटेल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है। पिलादर गांव के लोग जमकर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। अविनाश जगन्नाथ जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या स्थिति है अभी वहां? जी देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो अब स्थिति कहीं ना कहीं पुलिस के नियंत्रण में आई है। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जब लोग शांति से बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे और जब लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी को लेकर जो तमाम जो लोग थे वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और देखते ही देखते पूरे हालात जो है वो पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गए। लोगों ने बड़े बड़े पत्थर और पेड़ डाल के जो उदयपुर सलुम्बर का जो मुख्य मार्ग है उसको रोक दिया ताकि उदयपुर से आने वाला पुलिस जाब्ता जो है वो नहीं पहुंच पाए और उसके बाद एक के बाद एक कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दो रोडवेज बसे, दो पुलिस वाहन के अलावा कुछ बाइक के में भी आग लगाने की जो है वो सूचना यहाँ पर आ रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने पिलादर गांव के अंदर घरों के अंदर घुस घुस के लोगों को हिरासत में लिया है, उसको लेकर भी यहाँ पे लोगों में एक आक्रोश है। हालांकि पुलिस की जब इस तरह से कार्रवाई बढ़ी है तो लोग आसपास के खेतों में और पहाड़ियों के पर चढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी भी तनावपूर्ण यहाँ पे बनी हुई है। पुलिस की गश्त लगातार यहाँ पे इस रोड पे जो है वो चल रही है। अब जाके कई वाहनों का आवागमन जो है वो शुरू हो पाया है, लेकिन अविनाश बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने जिस तरीके से लोगों को काबू करने के लिए, ग्रामीणों को काबू करने की कोशिश की है, तो उसमें भीड़ में दो लोगों को गोली लगी है, क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए एक व्यक्ति को गोली लगने की जो है वो पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण जो है वो कह रहे हैं कि बाबूलाल पटेल नाम का जो एक व्यक्ति है जो पिलावर गाँव का ही रहने वाला है उसके हाथ पे गोली लगी है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी को भी जो हवाई फायर, पुलिस इसकी पुष्टि जो है वो हालांकि नहीं कर रही है। आप बने रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ अविनाश, जो है तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालात क्या हैं ग्राउंड पर, इसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता ने, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थितियां जो है बनी है। रमेश पटेल की हत्या को लेकर पीलादड़ गाँव में आज हजारों लोग सड़कों पे थे और उदयपुर बांसवाड़ा सलुम्बर रोड जो है वहां का मैं नजारा दिखाता हूं कि दो रोडवेज बसों पर यहां पर जो भीड़ है, उपद्रवी लोग जो थे उन्होंने यहां पे आग लगा दी है। उसके अलावा भी करीब एक दर्जन इसी तरह की वाहनों को जलाने की जो है वो यहां पर इस पूरे रोड में, इस एरिया में आग लगाई है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी रोडवेज बसों के ऊपर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग को काबू पाने का यहां पर प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस ने तमाम एसपी कहें
या एडिशनल एसपी के तमाम पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में जाप्ता इस रोड पर जो है वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहा है। जो उपद्रवी लोग हैं, करीब 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन एक मामूली सी प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से हिंसक हुआ है और यहाँ पर एक के बाद एक करीब एक दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये पूरा मार्ग जो है वो बंद है। जगह जगह जो उपद्रवी लोग थे उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट के बड़े बड़े पत्थर रखे इन मार्गों को रोक लिया ताकि जब वो तांडव मचाए, जब उपद्रव मचाया जाए तब पुलिस यहाँ पर जल्दी मौके पर नहीं पहुंच पाए। और उसी का ये नजारा, ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का उपद्रव और तांडव देखने को मिला। महज लोगों की यही डिमांड है जो रमेश पटेल के हत्या के मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष व्याप्त है और उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया उदयपुर। तो